खबर जो कि पलवल से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और सभी पॉजिटिव मरीज हाथीनग क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने जानकारी दी है। तबलीगी जमात से सभी कोरोना पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो यहां पर आए थे और इसी के चलते लोगों में संक्रमण बढ़ा है। संक्रमण के बढ़ते 9 नए पॉजिटिव मरीज यहां पर मिले हैं। पलवल का हम जिक्र कर रहे हैं, सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए ये तमाम लोग हैं जो कि हथिना क्षेत्र में आए, और जाहिर सी बात है इन लोगों के संपर्क में जो भी लोग आए वो भी कहीं ना कहीं कोरोना वजह से पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। तमाम एडवाइजरी जो है प्रशासन की ओर से जारी की गई है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं वो किन के संपर्क में रहे, किन के घर रहे, कहां कहां ये लोग गए, तमाम बातें जो हैं वो अभी सोची जा रही हैं, और वो जहां जहां गए जांच भी फिलहाल की जा रही है, कहीं ये संक्रमण और ज्यादा ना फैल जाए और लोग इनसे संक्रमित ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार संक्रमण से फैल रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। हाथ टच करने से, किसी के छूने से, सांस के जरिए, खांसी के जरिए, जुकाम के जरिए, तो इसी तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। देखिए, तबलीगी जमात का मसला उठने के बाद लगातार प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां से लोग कोरोना से संलिप्त मिले हैं, कोरोना की गिरफ्त मिले हैं। हालांकि कहीं पर रिपोर्ट लोगों की पॉजिटिव आई है, कहीं पर नेगेटिव आई है, और इसी तरह से पलवल से भी 9 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं जो कि कोरोना वायरस से ग्रस्त पाए गए हैं, कोरोना की गिरफ्त में पाए गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग किन के संपर्क में आए होंगे, और इनकी तादाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 है। देखिए, 9 लोग कहां गए होंगे, किन के संपर्क में रहे होंगे, किन के घर रुके होंगे, उनकी भी जांच फिलहाल जो है वो की जा रही है, और प्रशासन की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ये संक्रमण और ज्यादा ना फैला जाए, इसीलिए इसको समय रहते ही रोक दिया जाए। भगत सिंह तेवतिया संवाददाता जो कि पलवल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। भगत, कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज पलवल से मिले हैं, ये कौन थे, कहां से आए थे, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? यहाँ पर देखें तो पलवल में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अभी जब 3 दिन पहले यहाँ पर जो संख्या 16 हुई थी, आज दोबारा से 8 लोगों की और यहाँ पर कुल मिलाकर 24 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर फिलहाल जो संख्या है, और अभी 26 आदमियों के जो सैंपल जो और लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भेजे हैं, माना जा रहा है कि उनमें भी कई संभावित कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने उन गांवों को पूरी तरह से, जो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सील किया हुआ है, जहां पर ये बाहर से तबलीगी जमात के लोग आए हुए थे। तो सिविल सर्जन की ओर से क्या कुछ कहा गया भगत, उनकी ओर से क्या बयान दिया गया, कितने लोग रहे जो इनके संपर्क में आए हैं, उनकी स्थिति किस तरह से है, प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है भगत? जी, यहाँ पर फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग ने 467 लोगों को जो सर्विलांस पर लिया हुआ है, और अभी भी जो करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के दोबारा से सैंपल भेजे हैं कि कहीं उनमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि ना हो, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है तो वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह जो जिला उपायुक्त की तरफ से वो जो 5 गांव जिन लोगों जहाँ हुसपुरी सहित और जो अन्य उनके साथ सट के गाँव है उनको पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और पूरा अलग से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर कोई भी आदमी वहां से बाहर ना निकले, इसके लिए उन पर पूरी निगरानी रखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने में जुटी हुई। जी, बहुत शुक्रिया भगत तमाम जानकारी के लिए। पलवल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 9 नए मामले सामने आए हैं यहां से, और सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने जानकारी दी है कि ये लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे जो कि यहां पर आए थे।